say hi. Hi. Oh, मेरे को ये और ये डॉल गिफ्ट दे रही. संजन जो है ये ऑलमोस्ट गोस्ट रॉन बन जाता है. हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सेफ हो, बहुत अच्छे हो. तो यहाँ पर चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है. सब जगह पर चाइनीज न्यू ईयर की वाइब्स है और चाइनीज न्यू ईयर में भी कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. तो उनमें से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जितना हो पाए हम भी वो ट्रेडिशंस फॉलो करें, क्योंकि हम भी चाइना में हैं. और कहीं पे भी हो आप, ट्रेडिशंस फॉलो करना कभी भी अच्छी ही बात होती है. तो अगर आप मेरे वीलॉग्स फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना में रेड कलर बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है और इनके जो चाइनीज़ न्यू ईयर के डेकोर होते हैं वो बहुत सारे रेड कलर में ही होते हैं. अगर आप चाइना में कहीं पर भी घूमोगे तो आपको दिखेगा कि हर एक के घर के सामने जो मेन डोर होता है वहाँ पर ये ऐसे जो मेरे पीछे दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर के बैनर्स लगाए होते हैं. और ये जो बैनर होता है वो आज के दिन लगाते हैं. तो आज हम भी यही बैनर लगाने वाले हैं. तो ये जो बैनर है ये एक्चुअली पिछले साल लगाया था. तो पिछले साल का जो ईयर था वो इनका ऑक्स था, इसलिए हर बैनर के पिक्चर पे आपको यहाँ पर ऑक्स दिखेगा. ज़रूरी नहीं है कि हर बैनर पर होगा, क्योंकि इस बैनर्स में भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं. तो अब ये हम चेंज करेंगे ये वाला बैनर और हम यहाँ पर इस साल का जो एनिमल है, टाइगर एनिमल है, उसका ये बैनर लगाने वाले हैं. ये पिछले साल का हम निकाल देंगे और अब यहाँ पर लगेगा नया साल का बैनर. अभी हम हमारा लगाएंगे. संदीप का काम एकदम सिस्टमैटिक होता है. तो ये जो एक्चुअली संदीप लगा रहा है ना, ये फू कैरेक्टर है, ये गुड लक को रिप्रेजेंट करता है. एक और है शायद, अंदर लगाएंगे उसको. हमारे पास एक्चुअली ये फू कैरेक्टर के चार पांच उसने दिए हैं, बाकी सब तो ये एक एक ही दिया था. ये देखिए ये वाला, कोई कोई लोग इसे ना उल्टा भी हैंग करते हैं. तो ये लोग उल्टा भी लगाते हैं, उसका मतलब है गुड लक है सारा. दिस मीन्स गुड लक और अंदर उल्टा लगाएंगे तो इट मीन्स वो चाइनीज, मतलब जो उनके पिक्चर अगर वो रिप्रेजेंटेशन वैसे हो. तो ये हमारा लग गया है ये बैनर यहाँ पर चाइनीज न्यू ईयर का. ये जो सारे वर्ड्स है ना, इन सब का मतलब होता है गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ. ऐसे इनके जो ऑस्पिशियस जो भी हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनको ये लोग लगाते हैं. और ये लगाना मतलब गुड लक को आप इनवाइट कर रहे हो, गुड लक आता है. तो अभी हमारा ये बैनर तो लग गया है, आप देखेंगे तो काफ़ी कलरफुल है ये. एक्चुअली मुझे कलर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जो सबसे कलरफुल वाला मुझे जो लगा था ना वही मैं लेके आई थी. अच्छा लग रहा है. और एक्चुअली हमारे नेबर में यहाँ पर ना दो छोटी लड़कियाँ भी रहती है, तो आई गेस वो आएंगे, गए अपने होम टाउन, बट वो आएंगे तो शायद उनको अच्छा लगेगा ये देख के. पता नहीं, देख के यहाँ पर सब लोगों ने लगाया हुआ है अपने घर के बाहर. इसमें एक्चुअली मैंने कहा ना काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, तो ये भी एक डिज़ाइन है. ये सिंपल है, आई मीन सिंपल नहीं, ये अच्छा ही है, ये भी रेड और गोल्डन में, बट मेरा थोड़ा कलरफुल है. पहले एक्चुअली मुझे भी ऐसे लग रहा था रेड में ले क्या ये लोग ऐसे लगाते, बट फिर मैंने ये कलर वाला देखा और फिर मैंने सोचा नहीं मुझे यही लेना है, तो मैं ये लेके आ गई. आपको ये अच्छा लगा क्या मुझे बताइए जरूर कमेंट करके. तो आज शाम को यहाँ पर सब लोग अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं, तो हम भी सोच रहे थे कि हम भी कुछ स्पेशल बनाते हैं. हम सोच रहे थे पाव भाजी बनाएंगे, लेकिन हमारे एक चाइनीज़ फ्रेंड ने हमें मैसेज किया और कहा कि शाम में उसके घर आ जाएं. उन लोगों को करी बहुत पसंद है, इसलिए हम सोच रहे हैं हम चिकन करी, और ठंड है इसलिए हम पकौड़ी बना के लेके जाएं. बस वही सामान लेने हम अब जा रहे हैं सुपरमार्केट. पाव भाजी किसी और दिन बना लेंगे. टॉय कहाँ है? ऊपर के फ्लोर पर है ना. यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर का सब लगाया था, उन्होंने निकाल दिया. अभी हो गया आज सबने लगा दिया. एक्चुअली हमने भी लगा के आए ना, अभी यहाँ पर ज़्यादा कोई आएगा नहीं लेने, इसलिए शायद निकाल रहे लोग. उनको देने के लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए ले लो.
वो ग्रेटेड कोकोनट लेना है। ग्रेटेड कोकोनट देखो कहाँ है, नहीं है क्या? हाँ यहाँ पर है, ये फेस्टिवल की काफ़ी भीड़ है आज। ये हमारी कम्युनिटी है और यहाँ का गेट यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ ये लालटन्स लगाए हैं, न्यू ईयर स्पेशल है ये, न्यू ईयर के टाइम लगाते हैं। और यहाँ पर भी हर एक अपार्टमेंट के नीचे उन्होंने यह लालटन्स लगाए हैं और ये ऑरेंज ट्री भी सब जगह पर आपको दिखेंगे लगाए हुए। ऐसे सारे अपार्टमेंट्स के नीचे उन्होंने ये वो जो रेड बैनर मैंने बताया था ना वो भी लगाया है और लालटन भी लगाया है। तो आप यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सारों के यहाँ उन्होंने ये लगाया हुआ है। देखिए किसी दिन मैं यहाँ कम्युनिटी टूर का भी वीडियो बनाऊंगी, वो भी बनाना है, न्यू ईयर हो जाए मे बी उसके बाद मैं बनाऊंगी, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे होते हैं कम्युनिटीज़। मतलब अपने यहाँ पर हम लोग कभी सोसाइटी बोलते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बट यहाँ पर जनरली ये लोग कम्युनिटी बोलते हैं। बीच में उन्होंने ये पेड़ लगाया विथ स्मॉल स्मॉल लालटन्स, यहाँ पर इसमें सारे ये लालटन्स लगाए, अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं होता है, बट ये जो लगाया उन्होंने ये स्पेशली फॉर न्यू ईयर लगाया। यहाँ पर एक्चुअली रेड कलर के एनवलप्स भी थे बट आई गेस बारिश की वजह से उन्होंने निकाल दिए वो। और यहाँ हमारा अपार्टमेंट, हाँ ये देखिए अगेन सम लालटन्स और ये टाइगर ईयर का यहाँ लगा है। अब आ गए हैं हम हमारे फ्रेंड के घर। यो यो इनकी बेटी संदीप के फ्रेंड, हेलो बोलो, से हाय। हेलो, वो भी थोड़ा शर्मा रही है, अब भी हम लोग आए हैं ना। हेलो, वो लेके आई थी उसका ड्राइंग दिखाने के लिए कुछ चाइनीज। We want to treat you with some sweet dumplings. Is it okay? Yeah. तो आज शाम को यहाँ पर सब लोग अपने फैमिली के साथ डिनर करते कैसे? चाइनीज स्वीट डम्पलिंग्स, बहुत टेस्टी। सीजन सीड्स का पेस्ट है इनसाइड। हाँ हाँ। और शुगर स्वीट। काफी अच्छा है। We like Chinese food, it's okay, no problem. This is so beautiful. Yes. But Yo-Yo is more beautiful. ये क्या मेरे को देने आई है वो? This is for you, right? Okay. This for me? Me? Yes. Gift? Yes. Oh, thank you so much. Oh my God, so sweet. वो मेरे को ये और ये डॉल गिफ्ट दे रही है। सो स्वीट, अभी अभी आए और मुझे डॉल भी गिफ्ट दे दी उसने। हाय, से हाय, हाय, दिस इज वीडियो, वी आर मेकिंग वीडियो, हाय। शिनिन कोला, शिनिन कोला, हाँ, शिनिन कोला, कितनी स्वीट है ना ये, बहुत स्वीट है। Happy New Year, so many red packets.
तो ये ट्रेडिशन होता है कि बड़े बच्चों को रेड पैकेट देते हैं और उसमें वो लोग कुछ अमाउंट कुछ पैसे डाल के देते हैं, तो यही वो बच्चे खुश हो गए हैं, उनको ये रेड पैकेट्स मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पर इतना शोर शराबा हो रहा है। ये सारे इनके फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर आए हैं उनको विश करने के लिए न्यू ईयर। ये सब लोग हाँ, पे सब यो-यो के फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पर। ओह, यो-यो का कलेक्शन है ये सारे उसको मिले इस रुपए से। रख लिया उसने गले से। यो यो सो, अरे यार ये यो यो का कलेक्शन है। वाओ, वो एक शर्मा रहे हैं। ए, ले जाओ शर्मा मिंजर। छन छिंग वांग। और यहाँ पे आप सारे आ गए इनको सेलिब्रेट करने के लिए फ्रेंड्स। हेलो, क्या है शिष्या? ओह माय गॉड, ये इनका ट्रेडिशन है क्या? ओ शिष्या, उसने मुझे ये लाके दिया। आओ, मुझे ही यहाँ पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। एक एक लाके दे रहे हैं। और ये जो गिफ्ट्स है ये इन्होंने अपने हाथ से बनाया है, तो दे रहे हैं सबको। हाँ, वो ऐसे लेके। हाँ, ओके ओके, ऑनलाइन ऐसे सब बीट्स लेके बनाए हैं। ओके ओके, हाउ नाइस यार, सब गिफ्ट्स दे रहे हैं हमको। ये अपना बॉक्स लेके ही घूम रही है। मैं पकौड़ा लेके आई थी, देखते इनको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू। पोटैटो पोटैटो You can take with hand. नहीं वहाँ पर है ना, इट इज देयर। टोमेटो टोमेटो इसको कैसे लगा? गुड, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। व्हाट इज योर नेम? निजाओ शमा मिन्स। यू निंदा? मैं छन ये। और चॉकलेट्स इनके लिए। हाँ, चॉकलेट्स खा ही रहे वो लोग। या इंटरनेट इज स्लो, एवरीवन इज वॉचिंग राइट, सो वही बोल रहे हैं कि सब लोग ये सीसीटीवी प्रोग्राम देखते ही है, बचपन से देखते आए हैं वो लोग। और 8 बजे से स्टार्ट होता है ये, इसलिए वो बीच बीच में अटक रहा है। 4 घंटा रहेगा, 12 बजे तक ये लोग देखेंगे ये सारा सीसीटीवी पर। कलरफुल पॉजिंग। या आई थिंक एवरीवन इज वॉचिंग राइट, सो इट कीप्स। या इंटरनेट इज स्लो। ये अब सब जा रहे हैं टेरेस पे फायर क्रैकर्स लगाने। ये फायर क्रैकर्स अब 12 बजे तक चलेंगे।
The next day. तो आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है और यहाँ पर सारे शॉप्स सब बंद है यहाँ पर. यहाँ पे रास्ते पे हार्डली आपको एक या दो जन दिखेंगे. सारे यहाँ पर रोड्स खाली है. यहाँ पर एक्चुअली मार्केट है. मैं आपको मार्केट का भी दिखाती हूँ. मार्केट तो मतलब यू नो वो तो हमें लगता है शायद खुला होगा. ये देखिए ये वाली गली भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सब कुछ बंद 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 ही है. और इस तरफ मार्केट है. आई डोंट थिंक सो मार्केट भी खुला होगा. आज के दिन सब कुछ मतलब सब कुछ बंद होता है यहाँ पर. ये देखिए मार्केट भी अब देखेंगे पूरा बंद है. हाँ हार्डली मुझे यहाँ पर कोई लोग दिख रहे हैं. आगे मुझे दो लोग दिख रहे हैं. इस तरफ देखते कोई है क्या? सब खाली खाली. सेंजन जो है ये ऑलमोस्ट गोस्ट टाउन बन जाता है इस टाइम. आई हूँ यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है. एक्चुअली यहाँ से ऊपर जाएंगे तो मेट्रो आता है बट अगर आप देखेंगे तो एक या दो जन ही आ रहे. अदरवाइज तो आप सोच सकते हैं कि मेट्रो की जगह पर कितने लोगों का आना जाना होता है. बट आज सब खाली खाली है. और यहाँ पर मुझे एक 10 दुकानों में एक कोई तो शॉप दिख रहा है जो खुला है. एक दो शॉप्स खुले हैं. अदरवाइज तो सारे बंद बंद ही है. तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करके फीडबैक शेयर करें. मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द.